कल रात से जो है यहाँ बारिश हो रही है, मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से और काफ़ी ठंडा हो गया। तो इस वक्त मौसम अच्छा था, मौसम साफ था, तो आज मैं आया हूँ इधर आपको सिटी का जो है संगालन का जो है ओन यहाँ का जो वाटरफॉल है वो मैं आपको आज दिखाने आया हूँ। बहुत ही प्यारा है, मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ लेकिन मैं आपके लिए दोबारा अभी आया हूँ क्योंकि कल बारिश भी हो रही थी तो बहाव जो है उस वाटरफॉल का बहाव पहले से ज़्यादा हो गया होगा, पानी वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो आज वो वाटरफॉल जो इस सिटी का है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले अगर आप जो है लोकल ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो आपको सबसे पहले बानूफ आना पड़ेगा, यानी कि बानूफ कहते हैं ट्रेन स्टेशन, जहाँ के ट्रेन स्टेशन पे आना पड़ेगा। वहाँ से आपको नंबर 6 जो है बस लेनी पड़ेगी और नंबर 6 बस पे जब आप बैठेंगे तो 3 स्टॉप्स के बाद जो है चौथा स्टॉप जो है वो जो है इसी चौथा स्टॉप जो है वो होगा म्यूलिक का। तो म्यूलिक से आपने फिर म्यूलिक के बिल्कुल करीब है, आप वहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं कि सिटी का जो है ओन वाटरफॉल जो है कहाँ है, जो सिटी का वाटरफॉल है वो उसको कौन सी डायरेक्शन जाती है। तो वहाँ से आप आसानी जो है इस सिटी के वाटरफॉल को, संगालन के वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वाटरफॉल को जो है वहाँ की डायरेक्शन तक पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं जो है इधर जब मैं म्यूलिक स्टॉप पे उतरा था बस नंबर 6 पे बैठ के जब मैं स्टॉप पे उतरा था तो तब मैंने वहाँ से जो है आपने वहाँ से जो है लेफ़्ट टर्न करना है। लेफ़्ट टर्न करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आने के बाद आपको ये एक साइन नज़र आएगा, इस साइन को आप देख लें। तो यहाँ से जो है रास्ता नीचे जाता है वाटरफॉल की तरफ से, वहाँ आप वहाँ जो है आप रोड पे उतरेंगे, वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न करना। लेफ़्ट टर्न करने के बाद आप नीचे आएंगे और वहाँ यहाँ पे आपको जो है फिर जो है आपको लेफ़्ट साइड पे जो है ना एक बोर्ड नज़र आएगा, यहाँ पे कुछ लिखा है जर्मन में बड़ा, आई कॉन्ट स्पीक जर्मन, मुझे नहीं पढ़नी आती। तो आप फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ जाएंगे, ये रास्ता आपको जो है वाटरफॉल की तरफ, इस सिटी के वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगा, जो इस सिटी का जो है अपना वाटरफॉल है उस वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगा। जगह बहुत ही ज़्यादा ये मिस्टीरियस है, तो इस तरह की जगहों को जो है एक मिनट कैमरा मैं अपनी तरफ करूँ, इस तरह की जगह को जो है एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा एक मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कि इस किस्म के रस्तों के बाद आगे क्या होगा। बारिश की वजह से जो पानी का बहाव है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं काफ़ी ज़्यादा था और पानी का बहाव जो है बहुत ज़्यादा था, आज बहुत ही तेज़ था।
ओवरऑल अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हैं जब बारिश नहीं होती है, जब धूप वगैरह निकली होती है, तब पानी का बहाव इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, तो तब पानी का बहाव नहीं था कुछ हाँ, लेकिन चूँकि रात भर बारिश होती रही तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा था। तो जब आप वहाँ से आते हैं रोड से नीचे, तो आपको जो वाटरफॉल आगे मिलता है, उसके बाद अगर आप चाहें तो वापस उसी रास्ते से जा सकते हैं, नहीं तो ये ट्रैक्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ये आपको ट्रैक्स की ट्रैक्स पे आप चल के जो है, आप ये ट्रैक्स आपको सिटी की तरफ लेके जाते हैं। देखिए ट्रैक्स बने हुए हैं, वाटरफॉल देखने के बाद आप इन ट्रैक्स की मदद से अगर चलना चाह रहे हैं तो इन ट्रैक्स से चल के आप सिटी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप दोबारा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं या बस से दोबारा वापस जाना चाहते हैं बानों तक ट्रेन स्टेशन तक, तो आपको फिर वहाँ से दोबारा वापस मुड़ना पड़ेगा और दोबारा बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है आपको जो है बानों जाना पड़ेगा। ये दो तरीके हैं वापस जाने के। आने का तो मैंने आपको बता दिया वो जो प्रोसीजर था कि आपने बानों से कौन सी नंबर बस पकड़नी है और कौन से स्टॉप पर रुकना है। तो वापसी जाने का ये भी दो तरीके हैं, एक तो आप सिटी में अगर एंटर होना चाहते हैं तो इस रास्ते से भी हो सकते हैं जिस पर मैं खड़ा हूँ, और नहीं तो आप वापस दोबारा उसी रास्ते पर जा सकते हैं।